नमो नमः। सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेज की तरफ से बीए प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर में महाकवि भारवी प्रणीतम किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग का हम अध्ययन कर रहे हैं। प्रथम सर्ग के आज के अध्ययन में हम महाकवि भारवी के, चूंकि एक श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणाः, उसी के संदर्भ में भारवी के अर्थ गौरव पे बड़ा प्रश्न बन के आता है। बीए प्रथम सेमेस्टर के प्रथम वर्ष में जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो भारवी की अर्थ गौरव पे, किस पे, भारवी का अर्थ गौरव पे प्रश्न बनता है कि भारवे अर्थ गौरवम की समीक्षा करिए। तो इस प्रश्न को लेकर के आज हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। संस्कृत साहित्य के इतिहास में कालिदास के बाद महाकवि भारवी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। महाकवि कालिदास उपमा के सम्राट हैं तो भारवी अर्थ गौरव के आचार्य हैं। उनकी अर्थ गौरतापूर्ण एवं शब्द सौष्ठवमय कविता या काव्य या श्लोक पढ़कर किसका हृदय आनंद से विभोर नहीं होता हो उठता, अर्थात सभी आनंदित होते हैं और थोड़े शब्दों में विपुल अर्थ का समावेश महाकवि भारवी करते हैं। महाकवि भारवी अपनी कविता की विशेषता को बताते हुए कहते हैं कि शफुटता न पदैर पाकृता न च स्वीकृतम अर्थ गौरवम रचिता पृथगता गिराम न च सामर्थ महितम क्वचित। भारवी की कविता में उपयुक्त सभी विशेषताएं उपलब्ध हैं। जिस प्रकार कविता विनाश करने की क्षमता रखती है, उसी प्रकार भारवी की कविता के छोटे छोटे पद एवं वाक्य परिणाम में सुखद महान अर्थ को प्रकट करने को क्षमता रखते हैं। इनके कहने का तात्पर्य यह है कि जो भारवी की श्लोक हैं, जो भारवी की कविताएं हैं, वह मुख्य रूप से क्या करती हैं, वह कविताएं मुख्य रूप से उनके अर्थ गौरव को प्रकट करती हैं, उनके अर्थ गौरव को बतलाती हैं। भारवी की कविता गुणकारी औषधि के समान परिणाम में सुखदायिनी होती हैं। महाकवि भारवी अपने अर्थ गौरव की मान्यता सर्वत्र स्वीकार करते हैं। वह मानते हैं कि अर्थ में गौरवता होनी चाहिए। यदि हम कोई लेख लिखते हैं, हम कोई कविता करते हैं, हम किसी लेख को लिखते हैं, तो उसमें अर्थ गौरव का बड़ा महत्व है। अगर हमारे अर्थ सौष्ठव परिपूर्ण नहीं है तो फिर हमारे कविता को, हमारे लेख को, हमारे श्लोक को, हमारे ग्रंथ को, हमारे नाटक को कोई पढ़ेगा नहीं। इसी अर्थ गौरव के कारण उनकी जो श्लोक हैं, उनकी जो कविताएं हैं, वह अत्यंत उपादेय एवं सहृदयस्य लाघ्य बन गई हैं। प्रथम सर्ग में प्रारंभ से ही जो पहली कविता है, जो पहला श्लोक है, उस श्लोक से ही उन्होंने अर्थ गौरवता को परिपूर्ण किया है। उनका कहना है कि बाणी के वर्ण अत्यंत स्पष्ट होने चाहिए। बाणी के जो वर्ण होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए, स्फुटित होने चाहिए, जो सुनने में श्रुति सुखद हो। कैसे हो, श्रुति, श्रुति माने सुनना, और सुखद, सुनने के बाद हमारे सोतेंद्रिय को क्या दें, सुख दें और हम प्रसन्न हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं एवं गंभीर पदों से युक्त हो। हमारा लेख तभी सुस्पष्ट माना जाएगा
जब उसको पढ़ने के बाद जो पाठक हैं, जो श्रोता हैं, उनको गंभीर पद से युक्त हो जाए, उनके जो उनका उसका जो अर्थ निकले वह गंभीरता को लेकर के निकले, तभी हमारी जो कविता है, हमारी जो लेख है, वह क्या होगी, वह हृदय ग्राह्य होगी, लोगों के हृदय में अपना स्थान बनाएगी। भारवी की जो श्लोक हैं, जो कविता हैं, उसमें शब्द सामर्थ्य एवं अर्थ गांभीर्य दोनों विद्यमान हैं। आप जब भारवी के प्रथम सर्ग को पढ़ेंगे, पहला ही श्लोक जो है, श्रियः करुणां मधिपस्य पालिनीं प्रजासु वित्तिं यमयुङ्क्त वेदितुं सवर्णलिङ्गैः विदितः शमाययौ युधिष्ठिरं द्वैत बने बने चरः, इसके एक एक पद में, इसके एक एक शब्द में आपको इतना गंभीरता मिलेगा, इतनी शब्द सामर्थ्य है। मात्र एक पद को लेकर के अगर उसकी विशेषता की जाए, उसका वर्णन किया जाए, तो 15 मिनट 20-20 मिनट का समय एक एक पदों को व्याख्यान करने में लग जाते हैं। इस प्रकार अर्थ गुरुता एवं भाव गंभीरता की दृष्टि से भारवी का काव्य सर्वश्रेष्ठ है। भारवी ने मात्र एक रचना किया है, कौन सा, जो ग्रंथ आप अध्ययन कर रहे हैं, किरातार्जुनीयम। इन्होंने मात्र एक ग्रंथ लिखा और इस ग्रंथ के चलते ही यह विश्व विख्यात हो गए। उनके काव्य में पग पग पर अर्थ, पग पग पर अर्थ गुरुता एवं भाव गांभीर्य दृष्टिगोचर होता है। उनके अर्थ गौरव का एक उदाहरण यहां आपको देखने को मिलेगा। सहसान विदताम क्रियाम विवेक, सहसान विदताम क्रियाम विवेक, परमा पदाम पदम वृणुते ही विमृश्य कारिणीम गुणलुब्ध्वा स्वयमेव संपदः। इस श्लोक में कितना अर्थ गौरव है एवं कितना भाव गांभीर्य है। महाकवि ने अर्थ गौरव की सुरक्षा के लिए रस योजना का भी विधान किया है, रस छंद अलंकार। रस योजना के साथ साथ अर्थ गुरुता एवं भाव गांभीर्य को एकत्र करने की क्षमता भारवी में पूर्ण रूप से विद्यमान है, पूर्ण रूप से पाई जाती है। महाकवि भारवी अपने प्रत्येक श्लोकों में आपको उनके शब्द में जो अर्थ गौरव है वह आपको देखने को मिलेगा। उनके गुणों से प्रभावित होकर के बहुत सारे कवियों ने अर्थ गौरता अपने अपने ग्रंथ में स्थान देना शुरू किया। सभी कवियों ने अपने अपने ग्रंथों में उन स्थान को देना प्रारंभ किया। महाकवि भारवी की कविता, भारवी की कविता कवियों के लिए मार्ग प्रदर्शिका है। इन्हीं की शैली का आदर्श ग्रहण कर कवि महान कवि बन सकता है। ऐसा मानते हैं कि यदि हम भारवी के अर्थ गौरव को समझ लिया, यदि हम भारवी के अर्थ गौरव को जान लिया, नारी केल फल सम्मित वचः, एक वाणी आती है, यहाँ नीचे आया भी है, नारी केल फल सम्मित वचः, इनका जो वचन है वह नारियल के फल के समान है। जिस प्रकार से हम नारियल के फल को जब क्या करते हैं, सबसे पहले नारियल के फल के ऊपर एक भाग होता है हरा सा, उसको निकालते हैं, उसके नीचे फिर एक और परत होता है उसको निकालते हैं, उसके नीचे एक और परत होता है उसको निकालते हैं, फिर हमको नारियल प्राप्त होता है और नारियल का जल लेने के लिए हमको उसे भी तोड़ना पड़ता है, फिर हम उसके अंदर के जल को प्राप्त कर पाते हैं। मुख्य रूप से यदि किसी के अर्थ को समझना है तो उनके वर्णों के, उनको शब्दों के अंदर जा करके उसके गांभीर्य और उसके अर्थ गौरवता को हमको जानना पड़ेगा, तभी हम जान पाएंगे। वैसे ही हमारे महाकवि भारवी हैं, उनके अर्थ गौरव को जानने के लिए उनके श्लोक के प्रत्येक वर्ण के रोम रोम में जाकर के पढ़ना पड़ेगा, तभी हम उसके अर्थ को जान पाएंगे। क्योंकि उनके काव्य में अर्थ गौरव के साथ साथ काव्य शास्त्र आदि के सब तौष्ठो एवं अर्थ गांभीर्य भी हैं। ऐसा नहीं कि उनका शब्द इधर उधर है, नहीं, शब्द का जो सौष्ठव है, शब्द का जो मुख्य किस प्रकार से सब वर्णों को रखना है वह भी एक मुख्य बात है और अर्थ गांभीर्य भी उनकी एक विशेषता है। उनकी वाणी देखने भले से ही मनोरम न हो, थोड़ा कठिन तो लगेगा, थोड़ा क्लिष्ट तो है उनकी वाणी, पर
परंतु और अर्थ गौड़ता पूर्ण है और उसके अंदर कूट कूट कर रस भरा है। अतएव मल्लीनाथ जी कहते हैं कि नारिकेल फल सन्निभन बचो भारवे सपदि यद्वि भज्जये स्वादयन्तुम रसगम गर्भ निर्भर शारम शारमन्य रसिका यथेप्सितम। भाव यह है कि जिस प्रकार नारियल के फल के अंदर परम मधुर एवं स्वादिष्ट जल रहता है, अभी जो आपको बता रहे थे सेम वही है, जिसे कुशल पुरुष पान कर सुख लाभ करते हैं। जो कुशल होगा, जो पढ़ा लिखा होगा, वह उस नारियल के जल की भांति उसका पान करेगा। उसी प्रकार भारवी की कविता, भारवी के श्लोक में मधुर रस भरा हुआ है, जिसका सहृदय रसिक ही स्वाद ले पाते हैं। महाकवि भारवी ने नीति शास्त्र के प्रयोग में भी अपनी अर्थ गौरवता को बताया है, क्योंकि यह जो ग्रंथ है वह महाभारत से लिया गया है और महाभारत के एक छोटे से एक बहुत छोटा सा पाठ्य लेकर के, एक बहुत छोटा सा योजना लेकर के उन्होंने एक 18 सर्गों का महाकाव्य, जो 18 सर्ग हैं इस महाकाव्य में, उस 18 सर्गों के एक महाकाव्य की रचना महाकवि भारवी ने किया है। इसी प्रकार किराता जूनियम में अर्थ गौरव के अनेक उदाहरण मिलते हैं। जब आप किराता जूनियम पढ़ेंगे तो प्रत्येक श्लोक में मान के चलिए कि अर्थ गौरव के उदाहरण आपको मिलते जाएंगे। भारवी के काव्य में सुक्तियों की भरमार है, बहुत सारे सुक्ति इनके प्रथम सर्ग में आपको देखने को मिलेगा। जब आपको अब हम ग्रंथ पढ़ाएंगे और उस ग्रंथ में जब आप एक एक श्लोक को देखेंगे तो उसमें जो जो सुक्तियां आएंगे उन सुक्तियों को आप देख पाएंगे। उनकी प्रायः सभी सुक्तियां अर्थ गौरव एवं भाव गांभीर्य से परिपूर्ण है। उनकी जो एक एक श्लोक है और उन श्लोकों में जो सुक्तियां हैं, वह ऐसा नहीं कि उनमें अर्थ गौरवता नहीं है, उसमें बहुत सारे अर्थ गौरव आपको प्राप्त होंगे और उनका भाव भी कैसा है, गांभीर्य से परिपूर्ण है। भारवी के विचार से परिचय की अपेक्षा गुण अधिक प्रिय होते हैं। हम अपना परिचय बताएं कि हम ये हैं, हम ऐसे हैं, नहीं, आप अपने परिचय की अपेक्षा अपने गुण से मनुष्य अधिक प्रिय होता है। गुण ही उसके गुण से ही उसकी पूजा होती है, ऐसा हम जानते हैं। गुणाह प्रियत्वेधिकृता न संस्तवः। भारवी का काव्य अलंकृत शैली का महाकाव्य है। इनकी शैली कैसी है, अलंकृत शैली है, उसमें अलंकारों का अधिक प्रयोग होने पर भी अर्थ गौरव कम नहीं हुआ है। भले ही उन्होंने छंदों का प्रयोग किया, अलंकारों का प्रयोग किया, गुणों का प्रयोग किया, उससे उनके अर्थ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। उनके अर्थ गौरवता पे, जो उनका अर्थ गौरता है, उस अर्थ गौरता पे किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। अर्थ गौरव के साथ अलंकृत पदावली का प्रयोग महाकवि की अपनी विशेषता है। भारवी के मतानुसार काव्य में अर्थ गौरव एवं भाव गांभीर्य दोनों ही समान स्थिति हैं। इनके ग्रंथ में अर्थ गौरव और भाव जो है वह दोनों अपने समान स्थिति में परिलक्षित होते हैं, किंतु अर्थ गौरव उनके काव्य का प्रमुख आदर्श है। यह अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। महाकवि भारवी, महाकवि भारवी किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। कभी भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में यह पूछा जाए कि अर्थ गौरव के लिए कौन प्रसिद्ध हैं, तो अर्थ गौरव के लिए महाकवि भारवी प्रसिद्ध हैं। ठीक है, इसके संबंध में भारवी अर्थ गौरवम यह सुक्ति क्या है, प्रसिद्ध है। यही सुक्ति आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कि भारवी अर्थ गौरवम, भारवे अर्थ गौरवम, उक्ति की समीक्षा करिए, सुक्ति की समीक्षा करिए। भारवी अर्थ गौरव की
पे कोई प्रश्न आपसे पूछ ले, तो आप इन शब्दों को, इन वाक्यों को, आप इस प्रश्न को लिख सकते हैं। मुख्य रूप से महाकवि भारवी अपने अर्थ, गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं, अपने अर्थ गांभीर के लिए प्रसिद्ध हैं, अपने भाव के लिए प्रसिद्ध हैं। भले ही इनकी शैली किसी भी शैली में हो, चाहे किसी अलंकृत शैली का इन्होंने प्रयोग किया या किसी भी शैली का प्रयोग किया, लेकिन मुख्य रूप से जो इस कवि का कार्य है वह इनके प्रथम सर्ग में किरातार, किरातार जूनियम के प्रथम सर्ग में अर्थ गौरव परिपूर्ण अवस्था में देखने को मिलेगा। आप जब प्रत्येक श्लोक का अध्ययन करेंगे, एक एक श्लोक का जब आप अध्ययन करेंगे, तो आपको इनकी अर्थ गौरवता दिखाई देगी और लगेगा कि हाँ, किसी महाकवि ने किसी काव्य की रचना किया है। अपने जीवन में एक ही काव्य इन्होंने लिखा, परंतु वह अर्थ गौरवता के लिए प्रसिद्ध हो गया और वह अर्थ गौरव के लिए इनकी वाणी भी प्रसिद्ध है। आगे के क्लासेस में पुनः आपको हम इनके और किसी प्रश्न को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।